नमस्कार दोस्तों, गौरांशा बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और आज नए हफ्ते की शुरुआत सोमवार की सुबह करीबन 11:15 बजे आपसे बाजार का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हमने देखा दोस्तों, पिछले हफ्ते एक बहुत ही बेहतरीन ऊपर के तरफ के दायरे देखे, अनुमान बहुत कम था लेकिन बाजार हमेशा चौंका देता है सभी लोगों को, अच्छी चाल देखी। और आज सोमवार को जब हम लौटे हैं तो एक मामूली सा नीचे की तरफ के दायरे हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। कुछ स्तर बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। सेंसेक्स 140 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, स्तर है 58,850 का। निफ्टी 30 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, 17,330 का स्तर है। और निफ्टी बैंक बहुत ही फ्लैट, करीबन 4 पॉइंट की बढ़त है और स्तर है 40,610 का। रुपए और कच्चे तेल के बारे में भी आपको स्तर बता देता हूँ। रुपया डॉलर के मुकाबले कामकाज कर रहा है, 23 पैसे की गिरावट के साथ 82.40 का स्तर है रुपये का एक डॉलर के लिए। और कच्चा तेल, यहाँ पर थोड़ा चौंका देने वाली खबरें आई हैं दोस्तों। ओपेक प्लस देशों ने सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह जो भी कच्चे तेल उत्पादन करने वाले देश है, इन्होंने निर्णय लिया है कि एक बहुत बड़ी कटौती आने वाले महीने में, 1 मई से ये कटौती करेंगे। और इसके कारण हमने देखा कि बहुत बड़ा उछाल कच्चे तेल के दामों में हमने आते हुए देखा। ब्रेंट का स्तर बता देता हूँ और नाइमेक्स का भी स्तर बताता हूँ। ब्रेंट कामकाज कर रहा है करीबन 84.20 डॉलर प्रति बैरल पर, 4 डॉलर के ऊपर के दायरे हम देख रहे हैं। ये हम कल की जो खबरें आई उसके रात में जो उतार चढ़ाव हमने देखा, चढ़ाव देखा कच्चे तेल में, उसका 4 डॉलर का ऊपर की तरफ के दायरा। और नाइमेक्स 79.66 डॉलर प्रति बैरल कामकाज कर रहा है, यहाँ पर भी 4 डॉलर के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा ये दोस्तों के किस प्रकार से कच्चे तेल के दाम और ऊपर जाते हैं, और ये निर्भर रहेगा जो डिमांड सप्लाई है उसके ऊपर। लेकिन जो आकलन लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले समय में, और जब तक हम अगले महीने यानी कि मई के महीने में कदम रखेंगे, तब तक शायद थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का स्तर देख सकते हैं कच्चे तेल में। और ये उन देशों के लिए थोड़ा बहुत चिंताजनक होगा जो कि ज़्यादातर निर्भर हैं इंपोर्ट्स को लेकर के, कच्चे तेल के इम्पोर्ट्स जो ज़्यादातर करते हैं। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है ये आने वाला समय दिखाएगा। लेकिन ये बहुत ही, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कटौती ओपेक प्लस देश जो कि कच्चा तेल उत्पादन करने वालों का गुट है ओपेक प्लस, काफी सारे देशों ने बयान दिए कि वो अपने कच्चे तेल के उत्पादन में बहुत बड़ी कटौती करेगा। और इसके कारण ऊपर की तरफ के दायरे देखे हैं, और शायद आने वाले महीने में जब ये अमल में ला जाएगा तो शायद थोड़ा और ऊपर की तरफ का दायरा कच्चे तेल दोनों ही वैरायटीज में यानी कि ब्रेंट और नाइमेक्स में हम देख रहे हैं। एक छोटा हफ्ता इस बारी हमारे सामने है, कल महावीर जयंती के चलते छुट्टी है और शुक्रवार 7 तारीख को गुड फ्राइडे को लेकर के छुट्टी है, तो केवल 3 दिन मात्र है हमारे पास इस हफ्ते कामकाज करने के लिए। और शायद खबरों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, स्थानीय मार्केट से उठा पटक वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 2 दिन हम कम है इस हफ्ते कामकाज को लेकर के। तो लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत वातावरण सुधर सकता है अगले हफ्ते, क्योंकि 12 अप्रैल से चौथी और अंतिम तिमाही के आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष के शुरू हो जाएंगे आना, और इसकी शुरुआत आगाज जो है TCS से होगी। 12 अप्रैल को TCS अपने नतीजे घोषित करेंगे और उसके पश्चात बाकी अन्य कंपनियां घोषित करेंगी। हो सकता है बाजार थोड़ी दशा और दिशा, क्षेत्र के आधार पर जो नतीजे आते हैं, कंपनी के आधार पर जो नतीजे आते हैं, उस पर थोड़ा बहुत दायरा और दशा और दिशा देखने मिले। लेकिन ये निर्भर होगा किस प्रकार से नतीजे आते हैं। हम उम्मीद लेकर के ये चलते हैं कि पिछली तिमाही से थोड़ा बहुत रंग रुझान जो है वो बेहतर हो नतीजों को लेकर के। कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत मायूसी आंकड़ों को लेकर के आ सकती है, लेकिन ये उम्मीद लेके चलते हैं कि शायद चौथी तिमाही के नतीजे सहायता करेंगे शेयर बाजारों को दशा और दिशा देने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जो महामारी को लेकर के आंकड़े ऊपर की तरफ के आए हैं, और पिछली बारी भी मैंने आपको कुछ खबरें बताई थी इसको लेकर के, जो नया
अवतार खड़ा हुआ है कोविड 19 का। आंकड़े ऊपर की तरफ है लेकिन चिंताजनक बात नहीं है, और यही उम्मीद लेकर के चलते हैं कि कोई बड़ी समस्या इस नए अवतार और महामारी को लेकर के हमारे देश में न खड़ी हो। हर बार दोस्तों आपको विकल्प देते हैं हम बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश करने के लिए, आज भी दो विकल्प लेकर के आए हैं आपके सामने। एक है सीमेंट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी और दूसरी है सरकारी बैंक में मझौली कंपनी। पहली कंपनी है ACC। ये कंपनी के शेयर के दामों में हमने काफी कुछ नीचे के तरफ के दायरे जिस देखे, जिस प्रकार से एक समूह की कंपनी को लेकर के खबरें आई और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है, हमें लग रहा है कि बुनियादी तर्क के आधार पर करेक्शन के बाद एक बहुत ही अच्छा अवसर है अगर आप लंबी अवधि की सोच लेकर के यहाँ पर निवेश करते हैं। और अगर निवेश करते हैं तो पूरी ताकत लगा करके एक समय पर नहीं, किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत कीजिए और गिरावट पे और जोड़ते जाए। जिस प्रकार से सीमेंट की खपत होगी हमारे देश में, जिस प्रकार से भारत सरकार खर्चा कर रही है निर्माण कार्य को लेकर के, जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है और जिस प्रकार से निजी कंपनियां अपनी विस्तार योजनाएं आगे जा करके करेगी, इस सभी चीजों का समीकरण करते हुए हमें लग रहा है कि जो मांग है महीने दर महीने सीमेंट की वो ऊपर धीरे धीरे जा सकती है। दूसरी तरफ जो थोड़ी बहुत दिक्कत का कारण था वो है लागत खर्च को लेकर के, वो भी अब इतिहास हो चुका है। और हम अक्सर यही राय देते हैं कि कुछ चीजों को लेकर के अगर अच्छी कंपनियों में करेक्शन आता है तो वो उसको निवेश लायक रणनीति बनानी चाहिए लंबी अवधि के निवेश। तो ACC पहला विकल्प है दोस्तों। दूसरा विकल्प है सरकारी मझौली कंपनी कैनरा बैंक। और यहाँ पर दोस्तों जो तीसरी तिमाही के नतीजे आए थे वो हमारी उम्मीद से बहुत ही शानदार थे, और सरकारी बैंकों में अगर हम आकलन करें तो ये कैनरा बैंक जो है उस श्रेणी में आता है जहाँ पर लगातार निरंतर हमने नए महीने दर महीने नतीजों में बहुत ही अच्छा सुधार होते हुए देखा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें पूरे बैंकिंग क्षेत्र में तो अमेरिका में बैंक दिवालिया हो रही थी उसके कारण, और यहाँ पर एक समूह की कंपनियों को कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स को लेकर के दिक्कतें खड़ी हुई थी जहाँ पर आकलन या फिर कुछ अंदाजा लगाया जा रहा था कि इनके जो लोन्स हैं इसमें कुछ कठिनाई होगी, तकलीफ होगी रिकवरी को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी जो करेक्शन इन सब चीजों को लेकर के आया है और जिस स्तर पर कैनरा बैंक का शेयर कामकाज कर रहा है, हमें लग रहा है कि एक बहुत बेहतर मौका है। और ये जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के और सरकारी बैंक के, हम एक अनुमान लेकर के चल रहे हैं कि ये नतीजे अच्छे आएंगे, क्योंकि जो टिप्पणियां काफी सारे बैंक के मैनेजमेंट ने दी थी एडवांसेस को लेकर के, डिपॉजिट्स को लेकर के, कासा रेशो को लेकर के, और एक बड़ा परिवर्तन हाल ही में जो फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री जी ने किया है डेट फंड्स को लेकर के, टैक्स में जो बदलाव किए हैं उसके कारण थोड़े बहुत पैसे वहां से निकल करके बैंक FD की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जिसके कारण जो फ्लोज हैं बैंक के पास जो नकदी है वो बढ़ सकती है और उनकी जो काबिलियत है ऋण देने की, लोन देने की, वो काफी सक्षम और मजबूत हो सकती है। और ये पूरा जो समीकरण है वो एक सकारात्मक सा असर लाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन पे, यानी कि जो शुद्ध मुनाफा है उस पे अच्छी खासा इजाफा हो सकता है। तो दो विकल्प है दोस्तों, दिग्गज क्षेत्र की सीमेंट कंपनी ACC और सरकारी बैंकों में एक मझौली बैंक कैनरा बैंक। एक ही दरखास्त है, पूरी ताकत लगा करके दोनों ही शेयर में निवेश न करें, धीरे धीरे करके किश्तों में गिरावट पर जुड़ते जाएं, शुरुआत करें और धीरे धीरे गिरावट पर और जुड़ते जाएं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है, तो आपके पास पर्याप्त समय सीमा होनी चाहिए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए।